हाउ टू एंड राग और अटैचमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, उस व्यक्ति के प्रति जो मेरा एक अटैचमेंट है, राग है, उससे कैसे निकलूं। डू नॉट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ, अपने आप पर दबाव मत डालिए, सहज रहिए। ये प्रश्न इतना क्लियर नहीं है, मैं दो उत्तर दूंगा। एक तो किसी की मृत्यु हो गई है जिनके साथ आप बहुत अटैच थे, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो कोई भी जिसके साथ हम बहुत साल बिताते हैं अटैच्ड होते, वो इंसान नहीं रहता है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। कुछ महीने या कई बार कई साल, बड़ा एक ऐसा पीरियड होता है, मैं कहता हूं समय ही उसका निदान है। गिव टाइम अ टाइम, समय को समय देना, उसमें से जितनी बाहर निकलने की चेष्टा करोगे ना, उतना और वो विचार वो भावनाएं आपको जगड़ेगी, वो स्वाभाविक है। वो कहते ना गुरु जी, वो कर्म किया है तो उसको भुगतो, यानी वो जो बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट वाली इमोशंस आपको जकड़ के रखती है, उसमें से पसार होना यही बुद्धिमानी है, भागो मत। लेकिन अच्छे संग में रहोगे, ध्यान साधना गुरु सानिध्य में रहोगे, तो वही कर्म की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, बहुत जल्दी आप बाहर आ जाओगे सहज। प्रयास मत करो। इसी तरह मान लो वो व्यक्ति जीवित है और आपसे दूर चली गई, अब आपके जीवन में नहीं आ, बहुत अटैच्ड है, कोई बात। जैसे गंगा जी बहती रहती है, कोई भी बांध बनाता है या चट्टाने आ जाती है, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है।